तू तैयार है? हाँ भसड़खोर, मैं तैयार हूँ। रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। धनुष की रायन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर ली है, वही हॉलीवुड मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन का कलेक्शन भी पूरी तरह से रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा। लेकिन कमाल की बात यह है कि प्रभास की कल की फिल्म भी अभी तक सिनेमाघरों में करती जा रही है दमदार कमाई। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे विक्की कौशल की बैड न्यूज के 10 दिन, डेडपूल वुल्वरीन और रायन के 3 दिन, वही प्रभास की कल की के 32 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और आपको बताएंगे दोस्तों इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन चारों फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें विक्की कौशल, एमी विर्क और तृप्ति डिमरी की कॉमेडी ड्रामा फिल्म बैड न्यूज के बारे में, तो भैया बैड न्यूज फिल्म को इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर बड़ी बड़ी फिल्मों का कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है और फिल्म के पास जो स्क्रीन से वो दूसरे हफ्ते में कम हो चुकी है। लेकिन दोस्तों फिल्म को जहां सिनेमा में इस वक्त 10 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इतने सारे फिल्मों के सामने ये मूवी करती जा रही है शानदार कमाई। जी हां दोस्तों, मुझे लगा था कि ये फिल्म शायद दूसरे हफ्ते में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि डेडपूल वुल्वरीन और साथ ही साथ रायन भी रिलीज हो चुकी है, तो इस फिल्म को देखने कौन जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर इस फिल्म के कलेक्शन जिस तरह से दूसरे वीकेंड में निकल कर आए वो पूरी तरह से शॉकिंग रहे, क्योंकि जितने हम सब ने उम्मीद की थी ना, उससे कहीं ज्यादा कमाई यहां पर बैड न्यूज फिल्म दूसरे में कर रही है। हालांकि बात कर ली जाए यहां पर बैड न्यूज के 10 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने शुरुआती 8 दिनों के अंदर ही इंडिया नेट कलेक्शन 46,34,00,000 रुपए का कर लिया था। वही फिल्म ने अपने 9वें दिन यानी कि दूसरे शनिवार 3,38,00,000 रुपए की कमाई की। आज दोस्तों संडे होने की वजह से फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो कल के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है, साथ ही साथ आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी काफी सॉलिड हो चुकी थी। तो यहां पर बैड न्यूज फिल्म अपने 10वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 4,10,00,000 रुपए का। इसी के साथ दोस्तों बैड न्यूज फिल्म का शुरुआती 10 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 53,82,00,000 रुपए का टोटल हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 64,04,00,000 रुपए। बता दो दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों में 28,87,00,000 रुपए कमा लिए हैं। यानी कि दोस्तों बैड न्यूज फिल्म का 10 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 92,85,00,000 रुपए का हो चुका है। जी हां दोस्तों फिल्म 90 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई दुनिया भर में कर चुकी है। सब कुछ सही रहा तो आने वाले 3-4 दिनों में इस फिल्म की टोटल कमाई दुनिया भर के अंदर 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर देगी। बता दो दोस्तों बैड न्यूज फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है सुपरहिट। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई हॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन के बारे में, जिस फिल्म को इंडिया में हिंदी, इंग्लिश और साउथ लैंग्वेजेस में रिलीज किया है, बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म ने इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ली और फिल्म के कलेक्शन हिंदी मार्केट हो या साउथ मार्केट हो दोनों जगह से काफी धमाकेदार रहे। हालांकि दोस्तों इस फिल्म का बजट जहां $200 मिलियन है और इस फिल्म का 3 दिनों का जो वीकेंड कलेक्शन है वो दुनिया भर में इस फिल्म के बजट से भी कहीं ज्यादा हो चुका है। इस फिल्म का जो परफॉर्मेंस है वो इंडिया में जितना सॉलिड है ना, उसी तरह यह फिल्म पूरी दुनिया में शानदार कमाई करने में कामयाब रही। जी हां दोस्तों आपको बता दें ए रेटेड मूवी होने के बावजूद भी इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर रहे। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3,000 स्क्रीन पर रिलीज किया था और रिलीज होते ही इस फिल्म ने इंडिया में पहले ही दिन धमाकेदार कमाई की और दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में और भी ग्रोथ आई और तीसरे दिन तो इस मूवी के कलेक्शन हम सबकी उम्मीदों से भी ज्यादा बढ़ गए। दोस्तों आपको बता दें डेडपूल एंड वुल्वरीन ने अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन सभी भाषाओं से 21 करोड़ की रेंज में किया, वही दूसरे दिन कलेक्शन में एक बढ़ोतरी हुई और फिल्म का सेकंड डे इंडिया नेट कलेक्शन 23 करोड़ रुपए रहा। लेकिन दोस्तों बात करें आज यानी कि तीसरे दिन की, तो भैया संडे होने की वजह से इस फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा उछाल आया और इस फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी मिली है वो पहले और दूसरे दिन से काफी ज्यादा रही। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक यहां पर यह मूवी अपने तीसरे दिन सिर्फ इंडिया नेट कलेक्शन ही 26 करोड़ रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों डेडपूल एंड
वुल्वरिन का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 70 करोड़ रुपए की रेंज में हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन लगभग 84 करोड़ रुपए। बात करें फिल्म के 3 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के, तो दोस्तों हॉलीवुड की बड़ी बड़ी वेबसाइट के मुताबिक यहां पर डेडपूल एंड वुल्वरिन 3 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग $350 मिलियन का कर रही है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 2900 करोड़ रुपए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म 3 दिनों में ही अपने बजट से कहीं ज्यादा कलेक्शन करके हो चुकी है सुपर डुपर हिट। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें धनुष की फिल्म रायन के बारे में, एक्शन पैक्ड फिल्म रायन, जिस फिल्म का डायरेक्टर भी खुद धनुष ही है, बताना चाहूंगा दोस्तों ये उनके करियर की 50वीं फिल्म है और भैया 50वीं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उनको एक बड़ी सक्सेस दिला दी है। जी हाँ दोस्तों, कहने को तो ये मूवी एक तमिल फिल्म है, लेकिन तमिल के अलावा इसे तेलुगु और हिंदी में भी डब करके रिलीज किया है। हिंदी मार्केट में तो फिल्म का काफी बुरा हाल है, क्योंकि फिल्म को मल्टीप्लेक्स चेन्स आइनोक्स पीवीआर और सिनेप्रोलिस जैसे बड़े बड़े सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया और हिंदी मार्केट में यह फिल्म सिर्फ सिंगल स्क्रीन में रिलीज की गई है और वैसे भी फिल्म का हिंदी में कोई प्रमोशन नहीं हुआ था। यहां पर फिल्म के मेकर्स खुद नहीं चाहते थे कि यह फिल्म हिंदी मार्केट में कोई ज्यादा कमाई करे, इसलिए उन्होंने फिल्म को रिलीज करने से पहले कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बस ऐसे ही हिंदी में फिल्म को रिलीज कर दिया, जिसके चलते ही इस फिल्म के कलेक्शन हिंदी में तो काफी खराब रहे। लेकिन इस फिल्म ने साउथ लैंग्वेजेस से जो कमाई की है वो शुरुआती 3 दिनों के अंदर धनुष की अब तक जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है ना, उन सब के कलेक्शन से ज्यादा है। और जिस तरह फिल्म को पब्लिक का दिन पे दिन सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, उसे देखकर यही कहूंगा कि ये धनुष के करियर की पहली ऐसी फिल्म होगी जो दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए की कमाई करेगी। क्योंकि दोस्तों इस वक्त रायन फिल्म ने 3 दिनों में जो कलेक्शन किया है वो इंडिया में तो शानदार है, साथ ही साथ विदेशों में भी इस फिल्म की कमाई पूरी तरह से बवाल हो चुकी है। दोस्तों यहां पर रायन फिल्म ने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 15 करोड़ 35 लाख रुपए का किया था तीनों भाषाओं में, तो दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में हल्का सा ड्रॉप आया और फिल्म का सेकंड डे इंडिया नेट कलेक्शन 14 करोड़ 10 लाख रुपए का रहा। लेकिन दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि इस फिल्म की कमाई में तीसरे दिन जो उछाल देखने को मिला है वो पूरी तरह से शॉकिंग है, क्योंकि साउथ की फिल्में जितनी कमाई पहले दिन करती है ना, उससे ज्यादा कमाई आने वाले दिनों में उन फिल्मों की कभी नहीं होती। लेकिन रायन फिल्म धनुष के करियर की पहली ऐसी मूवी है जो कि पहले दिन से ज्यादा कमाई तीसरे दिन कर रही है, अच्छे रिव्यूज की वजह से फिल्में कमा जाती है भाई। तो यहां पर रायन फिल्म को जो तीसरे दिन मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी देखने को मिली वो पहले दिन से बेटर है हर एक लैंग्वेज में, साथ ही साथ आफ्टरनून इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी काफी सॉलिड ऑलरेडी हो चुकी थी। तो यहां पर रायन फिल्म अपने तीसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन 16 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों रायन फिल्म का शुरुआती 3 दिनों ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 45 करोड़ 95 लाख रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 54 करोड़ 68 लाख रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 17 करोड़ 26 लाख रुपए की कमाई की है, यानी कि दोस्तों रायन का 3 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 71 करोड़ 94 लाख रुपए का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म दुनिया भर में 71 करोड़ 94 लाख रुपए कमा चुकी है। बता दो दोस्तों फिल्म का बजट है 90 करोड़ रुपए और ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में ये मूवी अपने बजट को भी क्रॉस कर देगी। वही दोस्तों अब अगर अंत में बात करें सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल्कि के बारे में, तो भैया कल्कि फिल्म को सिनेमाघरों में 32 दिन हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने सिनेमाघरों में 1 महीने तक तो धमाकेदार कमाई की और अब जहां फिल्म को सिनेमाघरों में 32वां दिन है और इस वक्त इस फिल्म के सामने ढेरों नई नई फिल्में आ चुकी हैं और इस मूवी के पास जो स्क्रीन से वो काफी कम रह गई है, लेकिन एक अच्छी मूवी होने की वजह से इस मूवी को देखने अभी भी ऑडियंस सिनेमाघर तक आती जा रही है और ये फिल्म इस वक्त भी बॉक्स ऑफिस पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में दुनिया भर में करती जा रही है एक डिसेंट कमाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बजट में बनी कल्कि फिल्म, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया था नाग अश्विनी ने और इस फिल्म में प्रभास के अलावा अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी हमें देखने को मिले थे। अगर बात की जाए इस फिल्म के 32 दिनों के टोटल कलेक्शन की, तो सबसे पहले आपको बताता हूं इस फिल्म के हिंदी कलेक्शन, फिर बात करेंगे वर्ल्ड वाइड ऑल लैंग्वेज कलेक्शन के बारे में। दोस्तों कल्कि फिल्म ने शुरुआती 4 हफ्तों में हिंदी नेट कलेक्शन 281 करोड़ 35 लाख रुपए का कर लिया था। वही फिल्म ने अपने 5वें शुक्रवार यानी कि 30वें दिन 1 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की थी। वही फिल्म ने अपने 31वें दिन यानी कि 5वें शनिवार हिंदी नेट कलेक्शन 1 करोड़ 96 लाख रुपए का किया। हालांकि दोस्तों आज संडे का फायदा कल्कि को भी मिल रहा है और इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी में कल के मुकाबले लगभग 30 से 35% उछाल आ
चुकी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक कल की फिल्म अपने 32वें दिन यानी कि 5वें संडे हिंदी नेट कलेक्शन 2,70,00,000 रुपए का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों कल की मूवी का शुरुआती 32 दिनों में हिंदी नेट कलेक्शन 287,26,00,000 रुपए का हो चुका है। तो हिंदी ग्रोस कलेक्शन 341,83,00,000 रुपए। बता दो दोस्तों फिल्म ने साउथ लैंग्वेजेस यानी कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, साउथ लैंग्वेजेस से ऑल इंडिया ग्रोस कलेक्शन 515,31,00,000 रुपए का कर लिया है। यानी कि दोस्तों कल की फिल्म का जो ऑल इंडिया ग्रोस कलेक्शन है पांचों भाषाओं का वो 857,14,00,000 रुपए का हो चुका है और फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 274,02,00,000 रुपए की कमाई की है। यानी कि दोस्तों कल की फिल्म का 32 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनता है वो हो चुका है 1,131,16,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों फिल्म 1,131,00,000 रुपए से ज्यादा की कमाई दुनिया भर में करके ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में कल की फिल्म का फाइनल कलेक्शन कहां तक जाता है। क्या ये फिल्म 1,150,00,000 पे रुक जाएगी और उससे ज्यादा भी कमाई करेगी। हालांकि कल है मंडे, कल से फिल्म के कलेक्शन नीचे चले जाएंगे और एक आइडिया मिल जाएगा कि फिल्म का फाइनल कलेक्शन आखिर कितना होगा। बाकी दोस्तों आपने इस हफ्ते और पिछले हफ्ते रिलीज हुई सभी फिल्में देखी तो इसमें से आपको बेस्ट फिल्म कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।